वही मामला बल्लभगढ़ की तहसील का है, जहां दर्जनों वकीलों ने बल्लभगढ़ के तहसीलदार सुशील शर्मा पर रिश्वत खाकर काम न करने का आरोप लगाया है और इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ डीसीपी को लिखित में शिकायत देकर उनके खिलाफ जांच की मांग की है और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। वहीं पूरे प्रकरण में तहसीलदार बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक है जी, मैं बाहर गया हुआ था, मेरे लड़के को परेशान करा इसने। कल मेरी इससे बात हुई तो मुझसे बोला कि आप पार्टी से ज़्यादा पैसे लेते हो, हमें कम देते हो। मैंने कहा जनाब, हमारा और आपका जो तय हम आपको देते हैं, हम पार्टी से क्या लें क्या दें, आपको क्या मतलब है। मैंने यहाँ तक कहा कि आप अपनी सीट घेर लें और पार्टी से हैंडल करें और जब दो पैसे ले कर दिखाएं जब हम आपको माने। मैंने आप फिर ये अफसरपना छोड़ दो, अरे सीट डाल लो। महंगा आपको तनख्वाह मिलती है, हमें कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है। वकील की फिक्स क्या तहसीलदार साहब तय करेंगे। क्या घपलेबाजी होती है, कोई क्या है, शिकायत आपने दी है डीसीपी को भी दी है, क्या है सारा उसमें। मैंने यही शिकायत दी है कि जी ये मतलब रिश्वत मांगते हैं, खुल के काम करते नहीं है। और एक काम के मैंने 40,000 रुपये दिए और आज तक ना वो काम हुआ ना मेरे पैसे वापस दिए तहसीलदार साहब। क्या काम था आपका। म्यूटेशन के लिए दिया था, पब्लिक की म्यूटेशन थी वो। तहसीलदार की गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत है जी, तहसीलदार गुंडागर्दी करता है यहाँ पर, और जो हर काम के पैसे मांगता है कि इसकी रजिस्ट्री हो तो इसके इतने पैसे, चीज़ रेट लगा रखी है तहसीलदारों ने जी। इसकी शिकायत आई हमारे पास तो हम आए हैं यहाँ पर, और ये तो वास्तव में भ्रष्टाचार बहुत फैला रखा है तहसीलदारों ने।